ओके स्टूडेंट्स, रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे एंड बेस्ड ऑन दिस यू हैव बीन प्रोवाइडेड होमवर्क ऑफ क्वेश्चन 1 to 25 वो एमसीक्यू आपको सॉल्व करने थे। उसमें से कुछ एमसीक्यू में आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ जो होमवर्क में दिए थे। हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है, आपका आंसर ना आया हो, तो फ्यू इलस्ट्रेटिव एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे ये वीडियो लेक्चर्स में। अच्छा, सबसे पहले देंगे क्वेश्चन नंबर 4। एमसीक्यू 4 क्या है? द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, मतलब आपको कंपाउंडेड रेशियो निकालना है किसका, 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये तो। वैसे तो कौन सा रेशियो है, 2:3 इंटू 9:4 इंटू 5:6 इंटू 8:10। ये इनका आपको कंपाउंडिंग करना है, बड़ा प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट। आप इससे काम कर सकते हैं, याद ये रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर होगा? मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 3 जा, यहां 2 2 जा, 3 2 जा एंड 2 4 जा, फाइनल आंसर। अच्छा, मैं इसको इधर भी 5 2 जा, 4:2, दैट मींस 2:1 आपका आंसर होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो डी, नन ऑफ दिस आप लिख सकते हैं। चलिए फोर्थ के बाद देखते हैं नाइंथ क्वेश्चन। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, ठीक है, किसका, 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, 4:9। अच्छा, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा आपको मालूम है, 9:16 हो जाएगा। तो 4:9 और 9:16 इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, तो 9 कैंसिल, 4 4 16, 1:4 आपका आंसर होगा 1:4। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लेते हैं, नाइंथ क्वेश्चन 1:4 ऑप्शन ए आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख सकते हैं। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ पूरा लेंगे, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, ओके टेंथ क्वेश्चन, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो 3:4, मतलब 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो 9:16, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो मतलब 8:27 एंड 9:7। बस यहां पर शायद स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे हैं, ये एक साथ पढ़ लेते हैं कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7, तो 2:3 का भी ट्रिप्लीकेट करेंगे और 9:7 का भी करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन में आपको ध्यान रखना है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सिर्फ लिखा हुआ है 2:3 एंड, मतलब उसके बाद 9:7 वो पूरा अलग से मैटर है, अब एक साथ मत पढ़ना, उस हिसाब से आपको जाना है। तो ये 9:7 सेपरेट 9:7 ही है, इसका कोई भी चेंज नहीं करना है, बस इसी की वजह से शायद आपका आंसर नहीं आना होगा। अब तो ये हो गया आपका 9 9 कैंसिल, 4 4 जा, 9 3 जा एंड 4 2 जा, फाइनली आप लिख सकते हो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 21, सो आपका आंसर 2:21। और ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10। उसी लाइन पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से पढ़ो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो 81:256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 125:51। ठीक है, पहले तो हम लेते हैं
The ratio compounded of duplicate ratio of 4:5. 4:5 का duplicate ratio होगा 16:25. उसके बाद बोला है triplicate ratio 1:3. 1:3 का triplicate ratio 1/27. सब duplicate ratio of 81:256. तो 81:256 का सब डुप्लीकेट निकाले तो 9/16 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 125:512 तो 125 का क्यूब रूट 5 और 512 इज का क्यूब रूट 8 तो आपको सब ट्रिप्लीकेट रेशियो 125:512 5/8 देखते हैं. यहां सबसे पहले 9 3 जा ये 16 16 तो कैंसल हो ही गया और 5 5 जा तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 और डिनोमिनेटर 5 3 जा 15 × 8 120 आपका आंसर है 1:120 और ये कौन सा ऑप्शन है नहीं है तो हम यहाँ पर बोलेंगे none of this मतलब ऑप्शन डी. ठीक है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. ओके अच्छा ये क्वेश्चन में क्लैरिटी कर देते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर 1:120 है वो बराबर है ऑप्शन में डी नन ऑफ दिस है उसको टिक मार्क कर सकते हैं लेकिन यहाँ ऑप्शंस लिखने में मिस्प्रिंट हुआ था तो ऑप्शन सी जो 1:12 है उसको आप 1:120 ऐसा करेक्शन कर दो और सी को टिक मार्क कर सकते हो क्योंकि उसी हिसाब से जाना है आपको तो वो एक मिस्प्रिंट था. करेक्ट आंसर 1:120 है आप करेक्शन ऑप्शन में कर दो और यहाँ पर आप सी लिख दो तो ये काम हो जाएगा. ओके चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं. इफ ए इज टू बी इक्वल्स टू 3:4 आपको बोला गया कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:4 और एक्सप्रेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 2a + 3b अपॉन 3a + 4b का वैल्यू क्या हो. देखो मैंने आपको बताया था कि गिवन भी एक्सप्रेशन रेशियो में है और रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन भी रेशियो में है तो उस वक्त a को 3 मान के चलो और b को 4 मान के चलो ऐसा हम मान के चलते ऐसा है नहीं लेकिन एक्सप्रेशन भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन भी रेशियो में है तो चल सकता है ये काम हम कर सकते हैं. तो क्या करेंगे 2 × 3 + 3 × 4 जहां पर a है वहां पर हमने 3 रख दिया और जहां पर b है वहां पर हमने 4 रख दिया. सेम वे 3 × 3 + 4 × 4 चलिए सॉल्व करते हैं 2 3 6 + 12 9 + 16 12 + 6 18 and 16 + 9 ये होगा 25 तो आपका आंसर है 18/25 वो ऑप्शन डी में है. ओके चलिए एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 टू नंबर्स आर इन रेशियो 2:3 ध्यान से देखिए इफ 4b सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच दे आर इन द रेशियो 3:5 अच्छा कौन से दो नंबर है मालूम द नंबर्स आर. देखो ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और एमसीक्यू एग्जाम में मैं जो दूसरा तरीका बताने वाला हूं वो आगे जाके बहुत काम लगेगा और दूसरे चैप्टर में तो यही एक टेक्निक आपको बहुत काम लगने वाली है. तो पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन मेथोडिकली कैसे किया जाता है और ट्रिक के साथ कैसे किया जाता है. टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 अभी हमको नंबर तो मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं टू नंबर्स बी हम एज्यूम कर लेते हैं 2x and 3x फिर हमें बोलते हैं कि 4b subtracted from each मतलब 2x में से भी 4 माइनस करेंगे और 3x में से भी 4 माइनस करेंगे और जब ऐसा करेंगे तो जो नया नंबर बनेगा
का रेशियो, ये नया नंबर है और ये रेशियो बोला गया है कि ये 3/5। अब आपको ओरिजिनल नंबर्स क्या है वही पूछा है तो x का वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 × 10x − 20 = 9x − 12। चलिए ये 9x ऑपोजिट साइड ले जाते हैं तो 10x − 9x और ये 20 यहां चला जाएगा तो 20 − 12, तो x = 8। तो नंबर्स कौन से होंगे, नंबर्स आर x = 8, नंबर्स आर 2x मतलब 2 × 8 एंड 3 × 8 दैट इज 24 and 18। आप देख सकते हो ऑप्शन कौन सा है, सॉरी 16 and 24, 8 + 16 and 3 = 24। तो 16 and 24 मतलब आपका आंसर है ऑप्शन ए। अब करना क्या है आपको, मैं आपको बताऊं, ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए वो बात अलग है, लेकिन जब ऑप्शंस अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन से ही देखेंगे कि पहले तो 2:3 के रेशियो में कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए है 16:24, बी है 4:6, सी है 2:3 और डी है 9। अच्छा तो पहले तो हम चेक करेंगे कि दो नंबर 2:3 के रेशियो में होने चाहिए, तो 16:24, 4:6, हाँ ये सब नन को अभी देखेंगे तो ये तो है। दूसरा हम चेक करेंगे कि हम दोनों में से क्या माइनस करेंगे, 4 माइनस करेंगे तो नया रेशियो 3/5 हो रहा है। सपोज मैं ऑप्शन ए को इवेलुएट करूं तो 16 − 4 और 24 − 4 तो ये हो रहा है 12 और ये हो रहा है 20। अच्छा 12 और 20 देखा जाए तो 3/5 है, यस 4 × 3 = 4 × 5 तो ये ऐसा है ऑप्शन ए जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको आंसर को देख के सॉल्व कर दो, 4/6 को चेक करेंगे, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है बट टू बी सुपर श्योर चेक भी कर रहा हूं तो 4 − 4 और 6 − 4 तो 0 आ रहा है, 0.20 मतलब ये 3/5 में ही आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं चलेगा। 2 − 4 = 3 − 4, 2 − 4 का आंसर है −2 और 3 − 4 का माइनस और ये माइनस, ये आंसर हो रहा है 2 और 2 3/5 में ही मतलब ये भी नहीं चलेगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन को इवेल्युएट करो, आप इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, और कई सारे जगह पर आपको यही मेथड से कंपल्सरी कभी तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेथोडिकली करने जाओ तो एमसीक्यू एग्जाम में आप नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम होता है, ठीक है, और इतना मेथड आपको बताने की भी जरूरत है आपने कौन सी मेथड से सॉल्व किया है, आपको तो सिर्फ करेक्ट आंसर जो है उसको टिक मार्क करना है या सर्कल डार्क करना है और कुछ नहीं करना। ओके तो ये मेथड से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन, एक काम करते पहले 17th देख लेते हैं बाद में 18th देखते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर्स आर, दो नंबर 7:10 में है तो हमारी जो मैथमेटिकल वे है तो वही होगी कि नंबर्स बी एज्यूम कर लेते हैं 7x और दूसरा होगा 7:10 है तो दूसरा होगा 10x। अब बोला है कि that difference is 105 मतलब 10x minus 7x is 105। देखो difference positive है तो bigger value minus smaller value में लूंगा, तो 10x minus 7x is 105 मतलब 3x is 105, तो x का मतलब क्या होगा 35। अभी x तो मिल गया, आपका क्वेश्चन है आगे नंबर्स आर, तो x 35 है तो नंबर्स आर क्या होंगे, 7 × 35 and 10 × 35, तो 7 × 35 and 10 × 35 तो ये हो गए 245 and 350 और ये ऑप्शन है सी। और
आपको मालूम है हम शॉर्टकट की का यूज करेंगे तो हर एक ऑप्शन को ही इवेल्युएट कर देंगे कि कौन से ऑप्शन है 200, 305, 200, 305, 185 and 290, 245 and 350 लास्ट ऑप्शन डन है। कंडीशन को हम इवेल्युएट करेंगे कि पहले तो ये नंबर क्या होने चाहिए, 7:10 के रेशियो में होने चाहिए, तो 200, 305 का रेशियो 7:10 नहीं है, 185, 290 तो 7, 185 divided by 290 वो भी 7:10, ये 7:10 नहीं है, ये 7:10 नहीं है, ठीक है, ये तो है 7:10। ओके, अब ये भी चेक कर लो कि दोनों का डिफरेंस 105 है, चेक कर लेते हैं, 350 minus 245, यस 105 है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, यहां पर हम रेडी हो गए आपका आंसर, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप डिफरेंस चेक कर लो, यहां डिफरेंस तो सब में 105 है लेकिन रेशियो नहीं है, तो रेशियो 105 डिफरेंस के साथ रेशियो 7:10 में मैच हो रहा है, तो वो आपका आंसर। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं बोलूं कि जब तक हो सके ट्रायल एरर अवेलेबल है तो मैथमेटिकल वे से जाने की जरूरत ही नहीं है, ट्रायल एंड एरर से ही हम काम कर सकते हैं। चलिए 18th क्वेश्चन देखते हैं, और 18th वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और कई और जगह पे आपको इसका यूज करने को आएगा, आप इजीली कर पाओगे, देखते हैं। पी क्यू एंड आर आर थ्री सिटीज, द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू इज 11:12 एंड बिटवीन पी एंड आर इज 9:8, द रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर। देखो आपको जो रेशियो दिया हुआ है, तीन सिटी है लेकिन जो रेशियो है वो दो के बीच का ही कनेक्शन बताया, मतलब एक बार पी और क्यू का बनाया है और दूसरी बार पी एंड आर। अच्छा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों रेशियो जो है इसमें पी कॉमन है, तो जब भी आप लिखो तो एक टेक्निक हमेशा जो कॉमन है उसको सेंटर में रखो। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए ध्यान रखो ये टेक्निक बहुत काम लगेगी। वैसे तीन सिटी है पी क्यू एंड आर, लेकिन जो डिटेल्स दिया हुआ है उसमें पी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको सेंटर में रखो, बाकी के दो को आजू बाजू लिखो। अब देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू 11:12, तो पी एंड क्यू, तो पी 11 है और क्यू 12 है, तो क्यू टू पी ये रेशियो बनेगा, पी टू क्यू 11:12 होता है। आगे देखते हैं, उसके बाद बोला है पी एंड आर 9:8, पी एंड आर, तो यहां पी और ये आर 9:8। अच्छा इस तरीके से जो कॉमन है उसको सेंटर में रख दिया। अब यहां पर आपको रेशियो का एक बेसिक रूल मालूम है कि किसी भी रेशियो को दोनों टर्म्स को सेम नॉन जीरो कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रेशियो विल रिमेन अनऑल्टर्ड। एक काम करते हैं, यहां 11 है यहां 9 है, तो ये जो 9 है उसको मैं फर्स्ट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और ये जो 11 है उसको मैं सेकंड रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे क्या होगा जो कॉमन है उसकी वैल्यू भी कॉमन हो जाएगी। देखो 12 × 9 = 108, 11 × 9 = 99, मतलब 12 × 11 बोलो या 108 × 99 बोलो, बेटर तो एक ही है, सिर्फ हमने 9 से मल्टीप्लाई किया। सेम वे 11 × 9 = 99 एंड 11 × 8 = 88, मतलब 9:8 बोलो या 99:88 बोलो एक ही है। अब आप बोल सकते हो कि 99 यहाँ कॉमन वैल्यू 99 हो गया तो तीनों का रेशियो निकालो, तो ऐसा बोल सकते हैं 108:99:88। अब आपको क्वेश्चन में किसका पूछा है वो देखो, क्वेश्चन में आपको पूछा है कि टेम्परेचर का रेशियो क्यू एंड आर का, क्यू एंड आर का रेशियो मतलब 108:88, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना हो तो जितना रिड्यूस कर सके वो कर रहे, सपोज हम इसको 8 से डिवाइड करें तो कितना हो रहा है,
108 डिवाइड बाय 1, तो 1 से तो नहीं होगा, 4 से हो सकता है, 108 डिवाइड बाय 4, तो ये हो रहा है 27, एंड 88 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये होगा 22, तो आप आंसर ये रिड्यूस फॉर्म में रखेंगे, 27:22, या फिर जो ऑप्शन में दिए हैं वो फिगर कर लेंगे, यहाँ अवेलेबल है, चेक कर लेते हैं, यस 27:22 अवेलेबल है, ये है आपका ऑप्शन बी। तो ये टेक्निक बहुत काम करेगी आपको, जब भी तीन वैल्यूज आपको है अवेलेबल। अच्छा, आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन क्यू पी एन आर, तो ये तीन का रेशियो बन गया, तो कोई भी क्वेश्चन आप इसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, जो कॉमन है उसको सेंटर में रखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो और इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। P is to Q is a sub-duplicate ratio of P minus X square is to Q minus X square. Then X square is, देखो पहले तो जो इंफॉर्मेशन है वो बोल देते हैं। P is to Q क्या है भाई? Is a sub-duplicate ratio of किसका? P minus X square अपॉन Q माइनस X square, इनका सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब ये पूरा स्क्वायर रूट में डालो, क्योंकि ये रेशियो का स्क्वायर रूट करेंगे तो सब डुप्लीकेट रेशियो बनेगा और वो P बाई Q है। ठीक, जब मुझे ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है और मेरा टारगेट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, टारगेट तो X का वैल्यू है, नहीं टारगेट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X square? ओके चलिए, तो यहां से पहले तो एक काम करेंगे कि मुझे ये स्क्वायर रूट रिमूव करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड means p square upon q square is p minus x square upon q minus x square. आगे करते हैं, अब एक काम करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p square के ब्रैकेट में लिखेंगे q minus x square और q square के ब्रैकेट में लिखेंगे p minus x square, एक सेंसर क्या कर रहे हैं, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब होगा p स्क्वायर q माइनस p स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर p माइनस q स्क्वायर x स्क्वायर। अभी x स्क्वायर साथ में लिख देते हैं, pq वाले एक साथ में लिख देते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि q स्क्वायर x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर p माइनस p स्क्वायर q, यहां से x स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से pq में कॉमन निकालो तो एक q तो यहां बचेगा और एक p भी यहां बचेगा। ओके, तो x स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि pq इंटू q माइनस p अपॉन ये पूरी वैल्यू डिवीजन में q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बट यू नो q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के फैक्टराइजेशन से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो न्यूमरेटर पार्ट में लिख रहा हूं pq इंटू q माइनस p और डिनोमिनेटर में q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के लिए हम q माइनस p इंटू q प्लस p ऐसा लिख सकते हैं और ये कैंसिल होगा, सो फाइनल रिजल्ट आपका होगा pq अपॉन p प्लस q, q प्लस p या p प्लस q एक ही, और ये है क्या, ये है x स्क्वायर, तो आपको x स्क्वायर का ही आंसर निकालना था pq अपॉन p प्लस q। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन नंबर 20 में pq अपॉन p प्लस q ऑप्शन c, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 भी देख लेते हैं, बोला है कि 2s is to 3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then four options are there, क्या है पहले उसको लिख देते हैं, 2s by 3t is duplicate ratio of किसका,
2s माइनस पी टू 3t माइनस पी, इसका ये डुप्लीकेट है तो एक काम करते हैं इसका दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। ओके चलिए 2s अपॉन 3t। अच्छा ये जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो a माइनस बी होल स्क्वायर का टेक्निक यूज करेंगे, a स्क्वायर मतलब 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला टेक्निक यूज किया, और ये इसको एक्सपांड करेंगे तो 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर। अच्छा इस वैल्यू को मैं 2s से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अच्छा मैं डायरेक्टली 2s तो एक स्टेप लिख लेते हैं, 2s इनटू 90 स्क्वायर माइनस 60p प्लस p स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3t को मल्टीप्लाई करूं तो 3t इनटू 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस पी स्क्वायर। ठीक है चलिए 2s को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18st स्क्वायर माइनस 12stp प्लस 2s इंटू पी स्क्वायर मतलब 2sp स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 3 4 12 एस स्क्वायर पी माइनस 3 4 12 एस टी पी प्लस 3t इंटू पी स्क्वायर 3tp स्क्वायर। तो इक्वालिटी की दोनों साइड पे पहले ये तो मैं कैंसिल कर दूं तो व्हाट आई एम लेफ्ट विद 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर equals to 12s square t plus 3t square। इससे आगे आपको जाना है तो एक काम कर सकते हैं, जो st st वाले एक साथ ले लेंगे, st और tp वाले एक साथ ले लेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 18st square minus 12s square t which is equal to 3tp square और ये साथ में चला जाएगा तो minus 2sp square। यहां से हम 6st common निकाले तो क्या बचेगा, 6 3 18 मतलब 3s तो common में एक t बचेगा, 2 एक s है रख सकते हैं और ये t जो है वो तो common में चला जाएगा तो 6st कॉमन निकालेंगे तो 3t माइनस 2s, और यहां पर मैं p स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं तो क्या बचेगा 3t माइनस 2s। अच्छा ये दोनों साइड कैंसिल कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 6st इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो यही कोई ऑप्शन है, देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए p स्क्वायर इक्वल्स टू 6st, तो ये आपका आंसर है। ओके okay?